की दी है या फिर किसी संगठन का हाथ। आप तस्वीरें दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग स्कूलों की, जहां पर अफरा तफरी का माहौल सुबह से ही देखा गया, क्योंकि सुबह तड़के लगभग 6:30 बजे एक ही तरह का ईमेल इन सभी 100 स्कूलों को भेजा गया। धमाके की धमकी से डराया गया ईमेल के माध्यम से, उसके बाद स्कूल भी फॉरन एक्शन में आए। माता पिता को सूचना दी गई और बच्चों को की ओर से कहा गया है कि ये धमकी वाला ईमेल फर्जी था। लेकिन सवाल कई बने हुए हैं, क्या ये किसी शरारती तत्व का हाथ है या इसमें किसी आतंकी संगठन का हाथ है? क्या ये सुनियोजित तरीके से किया गया? ये डीएमजी की तस्वीरें आ रही हैं, ये डीएमजी स्कूल पहुंचे, यहाँ पर हालचाल लिया, पुलिस प्रशासन से जाना कि आखिरकार अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सब कहना चाहूंगा कि जो कल्प्रिट्स हैं उन पक्षे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। काफी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया, कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आ रहे हैं, उस पर अलग से काम चल रहा है। बाकी जैसा भी आपने देखा, जैसा भी डीवी स्कूल में आए थे मॉनिटर में, इसके बाद काफी स्कूल्स में कॉल आई। हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायर मिलिट्री है, स्निफर डॉग्स है, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है। तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। द्वारका से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट।